बागेश्वर धाम, नाम तो आप सबने सुना ही होगा बागेश्वर धाम का। आज हम उसी के टॉपिक पे बात करेंगे और उसी के बारे में आपको बताऊंगा। हेडलाइन आपने पढ़ी ली होगी, बागेश्वर धाम की शक्तियाँ काम कैसे करती है, कार्य कैसे करती है। आज मैं आपको सारी खुल के एक चीज़ बताऊंगा और एक ऐसे इंसान से मिलाऊंगा, एक ऐसे इंसान की स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर करूंगा जिसने भाई शमशान में बिना गुरु के रिक्शा लिए शमशान का कर्म कर दिया था और उसका लास्ट में क्या परिणाम हुआ क्या नहीं। आज सारी इसी टॉपिक पर बात करेंगे, बागेश्वर धाम की शक्तियाँ कैसे कार्य करती है। और अभी न्यूज़ में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं बागेश्वर धाम के ऊपर आरोप लगे, ढोंगी है या पाखंड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। देखो मैं बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, पर मैं खुद दरबार लगाता हूँ तो मुझे ये भी पता सकती है कार्य कैसे करती है कैसे नहीं। आज हम खुल के बात करेंगे और खुल के आपको समझाऊंगा, एक तरीके से समझाऊंगा। वीडियो में अंत तक देखना, जब भी आपको एक एक चीज़ एक एक डिटेल आपको समझ आएगी। तो लेट ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपका अपना विकास दहिया दिल्ली दरबार से। अभी हमने 1,00,000 सब्सक्राइबर का टारगेट रख रखा जिससे हम एक एनजीओ ओपन कर सके, जिससे हम अपनी गरीब बहनों की शादी कर सके और गरीब लोगों की सहायता कर सके। जो भाई अभी ठंड इतनी हो रखी है, रोड पे सो रहे, खाने के लिए नहीं खाना है, उड़ने के लिए नहीं कपड़े हैं, उनकी हेल्प कर सके। उसमें हम आपकी खाली एक हेल्प चाहिए, ना तो हम आपसे पैसे का डोनेशन मांग रहे, ना आपसे किसी चीज़ का, हम मांग रहे खाली एक सब्सक्राइबर। और हमारा एक लाइव सेशन शुरू रखा है जिसमें आप बेल आइकन भी दबा लेते हो तो हमारी लाइव में जुड़ के अपनी समस्या का समाधान हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। अपना दरबार मंगलवार और शनिवार को लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है, जिसमें किसी प्रकार का चार्ज वगैरह कुछ नहीं लिया जाता। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक एनजीओ जल्दी से जल्दी ओपन हो और हम भी लोगों की सहायता कर सके। अभी तो हम भी इतने समझते कि लोगों की सहायता नहीं कर सकते, तो लेट ना करते हुए आज का वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों अभी न्यूज में ना बहुत तेजी से वायरल हो रहे बागेश्वर धाम कि वहां की शक्तियां पाखंड है, वो तांत्रिक क्रिया करते हैं, वो तोड़े टोटके को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि उनका एक नासिक के आसपास एक कथा हुई थी जिसमें उनको प्रदर्शन हुआ वहां पे, फिर एक चैलेंज भी दिया गया उनको कि हम साबित करो कि आपके पास शक्तियां नहीं है। तो मैं आपको यही बताऊंगा बागेश्वर धाम की शक्तियां कार्य कैसे करती है कैसे नहीं, कैसे बागेश्वर धाम की शक्तियां कार्य करती है, लोग बागों के दुखड़े और उनके बारे में सही सही जानकारी आप तक दी जाती है या किसी भी जो समस्या को लेके आते हैं उनको दी जाती है। आप भारत के किसी भी दरबार से जुड़ जाओ, वैसे वो तांत्रिक दरबार हो या सात्विक दरबार हो, कैसा भी दरबार क्यों ना हो, उसमें किसी भी प्रकार का कर्म किया जाता हो, जो किसी सामने वाले के बारे में बताई जाती है वो होती है पूजा। जो हम पूजा देते हैं वो दी कैसे जाती है, पूजा दी जाती है एक नेत्र दृष्टि से। साइंस इसको कहता है कि भाई ये सारे पाखंड है, कोई रिक्शा वाले को उसको कह देते हैं कि रिक्शा वाले को अपनी बात बता देता है, रिक्शा वाला पूछता किस प्रॉब्लम के लिए आए हो तो रिक्शा वाला बाबा को जाके बता देता है। वहाँ पे पर्चियाँ बनाई जाती है, अर्जी लगाई जाती है, 21 मंगलवार शनिवार को बुलाया जाता है, जब जाके आपकी समस्या का समाधान होता है। जब उसको दरबार में लिया जाता है उनकी वीडियो वायरल कर देते हैं जिससे क्राउड बढ़ रहा है। पर जो लोग वहाँ जा रहे हैं अपना समाधान करवा रहे हैं, अपनी समस्या का समाधान ले रहे हो और जिनके इलाज हो रहे हैं, देखो दरबार कोई भी हो भाई, कोई भी इंडिया के अंदर कोई भी दरबार हो, जहाँ जिसका भला हो रहा हो, जिसका पेटा भर रहा हो, जिसके ऊपर कृपया बन रही हो बाबा की किसी भी दरबार से हो, बालाजी दरबार फिर तो आज ये बागेश्वर धाम को गलत कह रहे, कल को हमारे बालाजी मेहंदीपुर को भी गलत कहेंगे। इसलिए हमारे जो ये बॉलीवुड वाले हैं या कहीं के भी आप लेके देखो, कभी माँ काली को सिगरेट पिलाते इनका फोटो वायरल हो रहा है, तो कभी हिंदुओं के लिए कुछ कहते हुए वायरल हो रहा है। यही चीज़ अगर आपके अपोजिट धर्म में आ जाए तो वो चीज़ सब सत्य हो जाएगी। ये राजनीति है बुंबई वाले, तो भाई बिल्कुल मैं अभी कहूँगा बीसी है बिल्कुल, ये किसी ना किसी धर्म को उठा के और हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं और हिंदू धर्म का ही सत्यानाश करने पे लगे हुए हैं। क्यों भाई हमारे हिंदू धर्म इतना गलत क्या है, किसी का इलाज हो रहा है, किसी की सारी चीज़ें हो रही है तो उसमें गलत क्या है। तो भाइयों बागेश्वर धाम सरकार की जो शक्ति है वो कार्य कैसे करती है, मैं आज तक गया नहीं हूँ पर मैंने उनकी वीडियो काफ़ी सारी देखी है, काफ़ी सारी उनकी डिटेल में मैंने बात की है, देखी है उनके हर एक एक वीडियो पॉइंट को मैंने पकड़ा कैसे बागेश्वर धाम की सरकार की शक्तियाँ काम करती है। अब मानिए चलो कोई भूत प्रेत से संबंधित उनके दरबार में जाता है, पूजा देना, पूजा कैसे दिया जाता है, वो दिव्य दृष्टि से दिया जाता है। उसके घर की सारी समस्याएं सामने आके खुद बाबा जी जिसके आप दिव्य दृष्टि नित्र खुल जाता है, वो अपने जिनको एक्सपीरियंस है, जिनके खुले हुए जो देख सकते हैं वो मेरी बात पे यकीन करेंगे, जिनको नहीं है एक्सपीरियंस हो भाई अपना मेहनत कीजिए और आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी। बाबा के बालाजी के दरबार में जाइए, मैं जल्दी व्लॉग लाऊंगा कहाँ से आपको दूध प्राप्त होंगे, कैसे आपको दूध प्राप्त हो सकते हैं बालाजी महाराज को, क्या क्रिया करनी होगी आपको क्या नहीं, वो सारी मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। तो जिनकी नेत्र दृष्टि खुल जाती है, नेत्र दृष्टि होती है भाई सामने वाले के बारे में बिल्कुल ठीक ठीक बताना, जिनके साथ शरीर में देवी देवता चल रहे हैं वो देवी देवता के द्वारा ही नेत्र दृष्टि खोली जाती है, आपके मंत्र जाप से खोली जाती है या फिर आपके गुरु द्वारा नेत्र दृष्टि खोली जाती है, उनके देवता गुरु के देवता आपके शरीर में उतार के नेत्र दृष्टि खोली जाती है। जब नेत्र दृष्टि खुलती है तो आपको आने वाले समय में क्या होने वाला क्या नहीं ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है।
ऐसे तो हमारे करोड़ीमल बाबा जी है, नीम करोली बाबा जी है, वो भी एक ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन से उनको उतार दिया था कपड़े देख के। तो ट्रेन से जैसे ही उतारा था बाबा का चमत्कार, वो भी आपने देखा होगा सुना भी होगा कि ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हुई, ट्रेन अपनी जगह से हिली नहीं सकी, तो भाग के सारे दुखी हो लिए। फिर एक ने बताया जिसको आपने ट्रेन से उतारा नीम करोली, हनुमान जी के भगत है बहुत बड़े, अगर आपको जब तक इनको ट्रेन में नहीं बिठाऊंगा ट्रेन चलेगी नहीं। तो वो बाबा को दोबारा बाबा के पैरों में पड़ते नीम करोली बाबा के, उनके हाथ पैर जोड़ते बाबा ट्रेन में बैठिए, और जब ट्रेन में जैसे उन्होंने पैर रखा ट्रेन स्टार्ट हो गई, इंजन काम करने लगे। फिर भाई ये क्या चमत्कार था भाई, अब ये भी कह दो ये अफवाह है। आज भी वहाँ पे कोहली, विराट कोहली भी वहाँ पे नीम करोली बाबा के दरबार में गए हुए थे और वहाँ पे माथा टेक के आए हैं। तो ये छोटे छोटे चमत्कार हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें काम कैसे करती है शक्तियाँ बागेश्वर धाम सरकार की, आज मैं आपको यही बताऊँगा। बागेश्वर धाम सरकार की जो शक्तियाँ होती है वो काम करती है दूत महाराज पे। बागेश्वर धाम सरकार में बाबा हनुमान जी के दूत कार्य करते हैं, उनकी सेना कार्य करती है, प्रेता सरकार कार्य करते हैं। तो प्रेता सरकार अब आपने देखा वो कहते हैं कि बाबा मार लगाई जाए इस पे, जो सामने दिक्कत होती है कुछ, वो जो सामने वाले की पेशी आती है, पेशी ना आके पेशी शरीर में ही रहती है, जो उसके साथ ऊपर ही पड़ाई की दिक्कत है, पर बाबा मार लगाने का कार्य कैसे करते हैं, बाबा जो है उसके शरीर में जो सामने बैठा हुआ पीड़ित आदमी बैठा हुआ उसके शरीर में अपना दूत उतार देते हैं। बाबा का दूत जैसे ही सामने वाले के शरीर में उतरता है, शरीर में जैसे ही दूत उतरा उनका सामने वाले का, दूत उतरते ही क्या कार्य करता है, दूत उसको मार लगाने का काम करता है, उसको पागल करने का काम करता है। जितने भी मार लगाने के कार्य है, जितने पे भी मार पड़ रही है, आप देखना सब पे मार पड़ने का तरीका बिल्कुल सेम है, हरकतें बिल्कुल सेम है। जो दरबार चलाते हैं, जो दरबार लेके चलते हैं, वही ये चीज पकड़ सकते हैं, वही ये चीज बताते हैं, वही ये चीज बता सकेंगे। क्योंकि जो बागेश्वर धाम सरकार के दूत है वो कार्य कैसे कर रहे हैं, उनके जो मार लग रही है ना जिस सामने वाले संकट पे, जिसके साथ भूत प्रेत की दिक्कत थी या कुछ भी थी, तो भूत भी एक ही शरीर में है और बाबा का दूत भी एक ही शरीर में है, दोनों शक्तियां एक शरीर में, नेगेटिव और पॉजिटिव शक्तियां दोनों एक शरीर में वास करती है। और वास करने के बाद जब वो आमने सामने फाइट होती है उनकी, WWE होता है जब बाबा के दूत का और प्रेत का जो भी वहां दिखते हैं, तो वो हरकतें वैसी होती है। जितने भी दूतों ने मार लगाई, जितने भी संकटों में मार लगाई है, जितने भी दुखिया आ गए हैं हमारे भूत प्रेत से, सब पे मार लगाने का कार्य बिल्कुल सेम है। आप देखना कोई अपने सर को पकड़ रहा तो कोई कपड़े पाड़ रहा, कोई स्टेज से नीचे गिर रहा है, कोई सर को खुजा रहा है, बिल्कुल सारा का बिल्कुल सेम ही है। किसी में भी आपको मैं कह रहा हूँ 10% का भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा कि 10% का फर्क है। तो वो क्या करते, बागेश्वर धाम अपने शक्तियों से कार्य कैसे लेते हैं, बागेश्वर धाम सरकार है जो अपने दूत महाराज को सामने वाले शरीर में उतार देते हैं कि इसके शरीर में जो भी भूत प्रेत है उसको बाहर निकाल के ला, और बागेश्वर धाम क्या करते हैं वहां से उसको दूध को बाहर निकाले तो उसके जो नेगेटिव पार उसको बाहर नहीं आते हैं शरीर से, उसके शरीर को खाली कर देते हैं या फिर उसको मार लगा के उसके शरीर से अलग कर देते हैं। स्टार्टिंग का जो प्रोसेस है उनका, वो क्या करते हैं उनके मार लगा के उस शरीर से उस प्रेत को दूर कर दिया, दूर कर दिया तो बंदा रिलैक्स हो गया, शरीर हल्का हो गया। बाबा कहते हैं आप शरीर कैसा हो, कहते हैं बिल्कुल हल्का है, बिल्कुल फ्री हूं मैं। फिर क्या करते हैं बाबा, टाइम बताते हैं आपको दरबार की चौकियां लगानी है, आप दरबार में आइए, 5 शनिवार या 5 मंगलवार हो या 21 शनिवार आपको बुलाते हैं दरबार में। बाबा बहुत ही करते, बाबा चाहे तो एक बारी में भी आपका इलाज कर सकते हैं, पर वह बाबा पे जाओ दर्शन करके आओ, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बाबा के धाम पे जाओ। जो दुखिया दूर दूर से आते हैं उनका एक बारी में इलाज भी होता है वहाँ पे। जब बाबा से अर्जी लगा ली तो बागेश्वर धाम सरकार कुछ नहीं कर सकते, करना बाबा को ही, हनुमान जी को ही है, पेदा सरकार को ही है। तो वो दूध को गैला चालता कर दे, तुम्हारे साथ ही कर देते हैं, पर दूध के साथ जो प्रेत होता है आपके घर पे द्वारा भेज देते हैं, मतलब आपके साथ चलने लग जाता है, तो प्रेत को एक डर रहता है बाबा के दरबार में जाना, इसके साथ गलत करूंगा तो भाग के फिर जाएगा, वो बाबा के दरबार की चौकी लगाने लग जाता है। जब आपके 5 शनिवार आपको दिया गया है या 5 मंगलवार दिया गया है, 5वें मंगलवार को उस नेगेटिव पावर को अपने दरबार में रख लेती है बागेश्वर धाम सरकार। अपने दरबार में रखने के बाद उनको नेगेटिव पावर से पॉजिटिव पावर बनाई जाती है और फिर उनसे कार्य लिया जाता है। तो उन नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में बदल दिया जाता है, और जिन नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में बदला जाता है फिर वो बाबा के दूत कहलाते हैं, वो बाबा के बागेश्वर धाम सरकार के लिए कार्य करते हैं। कार्य कैसे करते हैं, जैसे आज आप अर्जी लगा के आए बागेश्वर धाम गए, आपने अर्जी लगाई, अब मैं कहता हूँ पूजा कैसे दी जाती है, बागेश्वर धाम की पूजा कैसे कहाँ कार्य करती है। आप अर्जी लगा के गए कि मेरी शादी नहीं हो रही, अच्छा वहाँ पे एक रूल है, अगर किसी बंदे की शादी नहीं हो रही है तो वो पीले कपड़े में अर्जी लगाए, किसी को अपना कार्य करवाना है, कैसे कोई काम नहीं बन रहे, काम धंधे की प्रॉब्लम है, वो लाल कपड़े में अर्जी लगाए, और किसी के साथ भूत प्रेत आदि की समस्या तो काले कपड़े के साथ अपनी अर्जी लगाए। काले कपड़े में कैसे, पीला कपड़ा लेके उसमें नारियल और 5 लौंग रखी जाती है, और 5 लौंग के साथ 10 रुपये की अर्जी लगा के उसको धागे से बांध दिया जाता है, ऐसे ही लाल कपड़ा और काले कपड़े के साथ है। तो वहाँ पे पर्चिया टोकन, बागेश्वर धाम सरकार के जो दर्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, वहाँ पे पर्चिया कटती है। पर्चिया कैसे कटती है कि जितने भी लाइन लगी होती है वहाँ पे कम से कम 8 से 10 घंटे में नंबर आता है, कोई अगर लाइन में लग जाए तो पर्चियों पर लिखा जाता है, फिर लाइन से ही किसी एक लड़की को बुलाया जाता है जो सबसे छोटी हो, उस लड़की से बोली जाती है, फिर एक बंदे की पर्ची निकाली जाती है पूरे दिन में जितने आए, जिस पर्ची पर जिसका नाम आया उससे पर्सनली बागेश्वर धाम सरकार की मीटिंग होती है।
मिलते हैं, वो तो बागेश्वर धाम से मिलने का पर्सनली तरीका। अब वहां पे जिस प्रकार की समस्या, किस समस्या के लिए आए, किस नहीं, वहां पे जो उनके कार्यकर्ता बैठे होते हैं वो लिख के रखते हैं पहले ही कि आपकी समस्या ये है। वो खुल के नहीं बताया जाता कि किस समस्या के लिए किसके नहीं, उसको एक हिसाब किताब होता है कितने बंदे पूरे दिन में दरबार में आ रहे, कितने बंदे नहीं आ रहे, वो सारी रिटर्न में होती है कि आज दरबार में इतने बंदे आए। बाबा कथा भी करते हैं, कृष्ण जी की भगवत कथा भी करते हैं बाबा जी। तो भाई कोई भी हमारे धर्म पे उंगली उठा रहा है तो हम चुप कैसे रह सकते भाई? शक्तियां कार्य कर रही है, शक्तियां अपनी मर्जी से कार्य कर रही है। कल को आप बालाजी जाके देखो बालाजी में, फिर तो आप मेहंदीपुर हमारे बालाजी हनुमान जी को भी गलत ठहरा दोगे इस तरीके से। बागेश्वर धाम सरकार के साथ जो शक्तियां कार्य कर रही है वो मेहंदीपुर बालाजी की शक्ति है, ये बात और जान लो। उनकी वहां की जो बाबा कहते हैं बागेश्वर धाम सरकार की शक्ति हनुमान जी कार्य करते, तो हनुमान जी की जो शक्तियां वहां कार्य करती है वो खुद स्वयं मेहंदीपुर बालाजी से मिली हुई शक्तियां है। इस बात की खोज आप कुछ खुद भी कर सकते हो कि बागेश्वर धाम में है जो जो आपके बाबा जी है वो हर साल एक बार बालाजी माथा टेकने जाते हैं, वहां पे सवा मणि लगा के आते हैं बाबा की। वो दूत महाराज जो बाबा के मिले हुए हैं बागेश्वर धाम सरकार को, उनकी सवा मणि होती है और उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। जो उनके पास शक्तियां चलती है उनको साल में एक बार जरूर मेहंदीपुर जाना होता है, ये मेहंदीपुर बालाजी का रूल है। तो वहां के जो बाबा को शक्तियां मिली हुई है, जो जो कार्य लेते हैं वो खुद मेहंदीपुर बालाजी की है। आजकल क्या बना रखा कि आपने कई धाम देखे होंगे जो अपने ही घर में या कहीं ऐसी जगह लेके जिसके पास 500-600 गज की जगह है, वहां पे ऐसा तरीका बनाते हैं बाबा का मंदिर बना देते हैं, बाबा की मूर्ति स्थापित कर देते हैं, बाबा का दूना स्थापित कर देते हैं, वहीं पे भोग प्रसाद चलता है, वहीं पे स्वामिनी लगाते हैं। जो संकट के लिए आते हैं उनकी स्वामिनी वहीं पे स्वीकार हो जाती है। पर हाँ, जिनके साथ स्वयं शक्ति चल रही है उनको स्वयं खुद बालाजी जाना होता है, क्योंकि वो अपनी शक्तियों से कार्य ले रहे हैं, वहां बाबा के सामने माथा टेक के आती है शक्तियां भी और वो भी बाबा भी। अच्छा, शक्तियां बाबा की चल रही है तो क्या होता है? बाबा की शक्तियां जो चल रही है, मैंने आपको पहले बताया ना, नेगेटिव पावर को ही पॉजिटिव पावर में बदल के उनको दूत महाराज कहा जाता है, जिनसे वो हमारे लिए दूसरों का भला करने के लिए कार्य करती है। अगर वो गलत करने लग जाए तो फिर बाबा उनको मार लगाने का कार्य करते हैं खुद से। तो इस तरीके से सारी शक्तियां कार्य करती है, इस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार कार्य कर रहा है और इसी तरीके से सारी आपकी वो है। अब कोई भाई कुछ भी बोले हमारे हिंदू धर्म के बारे में, हम क्या कह सकते हैं? अभी मैं इस वीडियो से अगला मैंने बताया था कि एक भाई ने क्या कर्म कर दिया था जो उसको मरने तक के ला ले हो गए, उसके स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर करूंगा, वो भी देखना। पर बीच में एक क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, क्वेश्चन का जवाब देना। और भाई जी साइलेंट मोड में मोबाइल अच्छे लगते हैं, अपनी वीडियो जयकारे के साथ ही अच्छी लगेगी। अरे माँ बाबा के भगत तो जयकारे लगाए जितना उतना ही उनके लिए अच्छा है, तो जयकारे लगा के क्वेश्चन का आंसर देके जरूर जाना। एक तरफ बजरंगबली महाराज जी खड़े हैं और एक तरफ आपके घर के पितर खड़े हैं। सबसे पहले आपके चरण, आपके हाथ किसके चरण की तरफ बढ़ेंगे, किसके पैरों की तरफ बढ़ेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही सही आंसर देना और लगा के जाना जयकारा और क्वेश्चन का सही आंसर देना। तो अब मैं बात करता हूँ भाई जी एक बंदे का, मैं अभी स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, उसके स्क्रीनशॉट देखना। उसने क्या किया था, मरघट में जाके किसी का गलत करने के लिए खून के छिट्टे दिया था, बिना गुरु का शिष्य था, बिना गिरी उसके यूट्यूब से देख के ज्ञान। मैं अपनी यूट्यूब वीडियो में क्यों क्यों कोई मंत्र नहीं देता या कोई क्यों मैं आपको चीजें नहीं बताता, क्योंकि बिना गुरु के शिष्य है जितने भी, वो यूट्यूब से देख के ज्ञान लेते हैं और ज्ञान लेने के बाद उनके साथ गलत होने लग जाता है। क्योंकि यूट्यूब की मैंने जितनी वीडियो देखी वो आपको क्या करती है, वो बढ़ने का रास्ता तो आपको दिखा देती है कि आपने इस चीज में एंट्री कर दी, कल को आपके साथ कोई एग्जाम्पल कुछ गलत होने लग गया तो आप पीछे कैसे हटेंगे? उससे बचने का रास्ता कोई भी वीडियो में नहीं, आज तक यूट्यूब के ऊपर किसी भी वीडियो के अंदर बचने का रास्ता नहीं है। तो भाइयों मेरे यूट्यूब वालों से भी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी मंत्र वगैरह शेयर करते हैं, कोई चीज ऐसी बताते हैं कि भाई किसी के साथ क्या है, क्या निके कर्म करने से ये होगा, तो उनसे बचने का रास्ता भी जरूर बताया करो। कल को किसी के फैमिली में कोई आ जाए, किसी की फैमिली खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा भाई जी? वो तो करके बैठ गए आपकी वीडियो देख के, तो उनको बचने का रास्ता दिखाया करो ताकि उनके साथ कुछ गलत ना हो। और एक चेतावनी जरूर दिया करो उनको, भाई इस वीडियो को देख के अगर आप कोई कर्म करते हो तो उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है, बिना गुरु के शिष्य होता उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है, ना कि हमारी। अब मैं बताता हूँ उस बंदे ने क्या किया। उसने यूट्यूब से वीडियो देखी और वो मरघट में माँ कालिका के ऊपर किसी का कुछ करने के लिए गया हुआ था, उसने खून के धब्बे अपना खून वहां पे दे दिया, खाली खून दे के आया था मरघट में। उसे शनिवार के दिन खून दिया, मंगलवार उसको पकड़ना भारी हो गया, मंगलवार तक उसके, एतवार की सुबह ही उसको मुंह से खून आया, सोमवार को उसको खून आया, उसका मैसेज आया भाई मेरे पास ऐसा है भाई, मैं बोला कि भाई देखो दरबार आना होगा, मैं ऐसे आपका इलाज नहीं बता सकता, क्योंकि वो भाई मुजफ्फरनगर साइड से था, मुरादाबाद साइड से था वो भाई। उसने कर दिया कर्म, उसके पास वो बोला भाई मैं आपको दरबार आना होगा, दरबार आने के बाद ही आपको सारी चीज़ का मैं समस्या का समाधान कर सकता हूँ, दूर से ही समस्या का समाधान नहीं होगा, या फिर आप अपने पास में ही कोई ऐसा देख लीजिए भगत जो आपके समस्या का समाधान करे। तो उसने ही अपने पास में ही कोई भगत देखा, भगत देख के उसने झाड़ा वगैरह लगाया, उस चीज़ को हटाया जो उसके साथ चल पड़ी थी, उस हटाने के बाद उस बंदे को आज आराम है, ठीक है वो। तो यही मैं कहता हूँ भाई, बिल्कुल भी कोई भी यूट्यूब से देख के कर्म ना करो, जब तक गुरु नहीं है, गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं है, तो आप इतने सक्षम नहीं हो कि कोई कर्म आप करने के लायक हो।
कुछ गलत होने के बजाय, मतलब ठीक होने के बजाय आपके साथ गलती गलत हो जाएगा। वो बंदा 3 दिन में ही ऐसा हड्डी निकल गया था, मरने के लालच आ गए थे, उसका स्क्रीनशॉट मैं आप शेयर कर रहा हूँ, देख लेना। मैं भाई सामने वाले का नंबर नहीं दूंगा, और आप सारी चीज़ एक बार क्लियरली पढ़ लीजिए, होल्ड करके पढ़िए उसने क्या कर दिया था क्या नहीं। यूट्यूब से देख के सारी क्रिया की थी और बाद में पछताना, मरता मरता बच्चा है ये, तो ऐसा कोई कर्म मत करो भाई जो उसका आपको पता ना हो। तो ये उस बंदे का स्क्रीनशॉट थे, आपने देख लिए होंगे, आपने जान भी लिए होंगे कितनी प्रॉब्लम में बंदा गया था कितनी प्रॉब्लम में नहीं। तो भाई आज की वीडियो का मैं यही एंड करता हूँ। कमेंट बॉक्स में जयकारा लगा के जरूर जाना, अपनी कुलदेवी कुलदेवता का जयकारा लगा के जरूर जाना। मैं आपका अपना विकास दहिया दिल्ली दरबार से, जानकारी अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना। मिलते हैं नए विषय के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम जय माता दी। अपने चैनल की जो हुक लाइन है वो हर हर महादेव हर घर महादेव, बोलो सच्चे दरबार की जय।